नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ढेर सारे अमेजिंग गैजेट के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की, लेकिन उस पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। GameStar X1 बैटल डॉक। दोस्तों अगर आप PUBG जैसे गेम्स के शौकीन हो तो ये गैजेट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। दरअसल ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने की वजह से उसमें गेमिंग के कंट्रोल उतने आसान नहीं होते, लेकिन PC में हम लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से PC जैसी गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस डॉक का। ये आपके मोबाइल फोन के लिए एक स्टैंड का काम करता है और साथ ही उसमें लगे होते हैं कनेक्टर्स, जिससे आप अपने कीबोर्ड और माउस को भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल फोन आपको एक PC वाली फीलिंग देने वाला है। पावर फिल्म ऑटोमेटिक डिजिटल स्कैनर। दोस्तों पुराने जमाने में कैमरास नेगेटिव पर चला करते थे, और आज भी अक्सर घरों में नेगेटिव्स मिल जाया करती हैं जहां पर आपकी ओल्ड मेमोरीज रहती हैं, क्योंकि फोटोज तो अक्सर खराब हो जाया करती हैं, लेकिन ये नेगेटिव सालों साल चलती है। लेकिन अगर इन्हें संभाल कर रखने की बात हो तो ये अक्सर खो जाया करती हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। ये एक छोटा सा नेगेटिव स्कैनर होता है, यानी कि इसमें आप अपनी पुरानी नेगेटिव को डालकर उन्हें स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप जब चाहें उन्हें प्रिंट कर सकते हैं और किसी से भी आसानी से शेयर कर पाएंगे। अपकार्ट स्टेयर्स क्लाइंबिंग कार्ट। दोस्तों अगर घर में भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो तो बहुत मुश्किल होती है, और अकेले तो ये लगभग पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन सब कामों में। दोस्तों इस गैजेट की खास बात ये होती है कि जो नॉर्मल ट्रॉलीज आती हैं उनमें आप अपने सामान को तो ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन उनसे स्टेयर्स नहीं चढ़ा सकते। लेकिन इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इससे आप आसानी से सामान को सीढ़ियों पर भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होता है भारी सामान को ऊपर चढ़ाने में। तो इस तरीके का गैजेट घरों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के गैजेट को, तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिट्रस स्प्रेयर। दोस्तों फूड को बेहतरीन तरीके से सर्व करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं अपने खाने के साथ तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन स्प्रेयर का काम करेगा। दरअसल काफी सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें फलों की महक बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए वैसे तो हम लोग सिंथेटिक स्मेल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को रियलिस्टिक वे में करना चाहते हैं तो इस गैजेट के इस्तेमाल से आप डायरेक्ट फलों के लिक्विड को किसी भी फूड पर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि उसकी ताजगी के साथ साथ उसकी स्मेल को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देती है। तो नेक्स्ट टाइम आपके खाने में हल्का हल्का कुछ महक रहा हो तो एक बार इसकी याद जरूर कर लीजिएगा। गॉट सम इंस्टेंट स्नोरिंग। दोस्तों अगर आपको स्नोरिंग की समस्या हो, यानी कि अगर आपको भी सोते समय खर्राटे आते हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों खर्राटे आने की मेन वजह ये होती है कि आप मुंह से सांस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें कि मुंह की बजाय नाक से सांस लें तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसके लिए बनाया गया है इस खास गैजेट को, जो कि देखने में तो एक टेप की तरह लगता है, जिसे कि आपको अपने माउथ पर लगाना होगा, जिसके बाद ये आपके मुंह को पूरी तरीके से बंद कर देता है, यानी कि जब आप सोएंगे तो पूरी ऑक्सीजन आपके नाक के द्वारा ही फेफड़ों तक पहुंचेगी, जिससे कि खर्राटों की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैग्नेटिक स्टैंड आवर ग्लासेस। दोस्तों पुराने समय में जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग रेत की इस घड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल टेबल पर लोग इसे समय देखने के लिए नहीं, बल्कि आप इसे शोपीस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इस गैजेट को, जिसमें बालू की जगह मैग्नेट के टुकड़े पड़े होते हैं, यानी कि जब इससे बालू पास होती है तो ये मैग्नेट के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, जो कि एक डिजाइन जैसी बना देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो अगर आप भी अपने ऑफिस टेबल के लिए एक बेहतरीन डेकोरेटिव गैजेट तलाश में है तो इस तरीके का गैजेट बहुत ही ज्यादा एंटीक हो जाता है। ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर। दोस्तों अगर आप अपनी कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं तो आपके लिए ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि टायर में प्रेशर कभी भी कम हो सकता है, जिसके लिए आपको इंस्टेंटली कहीं भी ऐसी शॉप नहीं मिलती है जहां पर आप उसके प्रेशर को मेंटेन करा सकें। लेकिन अगर आपके पास ये गैजेट होगा तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी मदद से आप आसानी से अपनी कार में हवा भर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसमें एक डिजिटल मीटर भी लगा होता है, जिससे कि आप उसके प्रेशर को चेक कर पाएंगे, और आपके द्वारा सेट किए गए प्रेशर पर पहुंचते ही ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जिससे कि इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान हो जाता है। RC ट्रक।
दोस्तों वैसे तो मार्केट में काफी सारे ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं जिन्हें आप खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए एक ऐसे टॉय की जो कि किसी भी तरीके की सरफेस में आसानी से चल सके, तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे आप किसी भी तरीके के सरफेस पर चला सकते हैं। इवन कितनी भी उबड़ खाबड़ रोड हो या कैसी भी सिचुएशन हो, ये उसे पार कर ही लेता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है पावरफुल मोटर्स को जो कि काफी ज्यादा पावर इसे प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि ये काफी रफ रोड में भी आसानी से चल सकता है। वहीं वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसे पानी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इक्यूल स्मार्ट मार्कर। दोस्तों आजकल क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस में अपग्रेड किया जा रहा है, जहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं काफी पढ़ने लिखने के नए नए उपकरण। तो अगर आप भी अपनी क्लासरूम वगैरह को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। ये एक ऐसा स्मार्ट मार्कर होता है जिससे कि आप बोर्ड पर कुछ भी लिखेंगे तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी इसके क्लाउड स्टोरेज पर तैयार हो जाती है। इससे आप अपने मोबाइल फोन या आप अपने पीसी को कनेक्ट करा सकते हैं जिसमें आप इसकी हार्ड कॉपी को देख पाएंगे। वहीं दोस्तों नोट्स को शेयर करने के लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, जिससे कि आप आसानी से अपनी क्लासरूम डिटेल्स को किसी भी फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर सकते हैं। फोल्डी मेट। दोस्तों कपड़ों की तह लगाना किसे पसंद होता है, और जब भी हम लोग अगर अपनी वार्डरोब को देखें तो अक्सर कपड़े ऐवें ही पड़े रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी कपड़ों को तहाने में आपकी मदद करेगा। ये एक फुली ऑटोमेटेड गैजेट होता है जिसमें आपको लेजर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी कि आप जैसे ही अपने कपड़ों को इस पर रखते हैं ये फटाफट उनकी तह लगाकर आपको नीचे से दे देगा, जिससे कि आप उसे अपनी वार्डरोब में एकदम सिस्टमेटिक वे में लगा पाएं। तो इस तरीके का गैजेट आलसी लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। पाई स्मार्ट टैप मीजर। दोस्तों ये एक ऐसा फिटनेस गैजेट होता है जो कि काफी ज्यादा मायने रखता है किसी भी वर्कआउट करने वाले के लिए, क्योंकि उसका एक खुद का गोल होता है जिसमें उसको वो टारगेट अचीव करना होता है, फिर वो चाहे वजन को लेकर हो या उसकी कमर के साइज को। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपके कमर के साइज को मेजर करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। ये एक ऐसा डिजिटल गैजेट होता है जिससे कि आप अपनी कमर के साइज को नाप सकते हैं, और खास बात तो ये कि इसमें आपको पूरी तरीके से एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर ये आपके पूरे डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है, यानी कि ये आपकी पूरी प्रोग्रेस को आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएगा। साथ ही आप इसमें गोल को भी सेट कर सकते हैं जिससे कि आप और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकें। ई फ्लाइट सू 30 बेसिक जेट। दोस्तों अगर आप फाइटर जेट उड़ाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ये कोई हलवे जैसा नहीं होता, इसमें बहुत ही ज्यादा हाथ की सफाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन हर किसी का मन तो होता ही है खुराफात का, तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखने में कुछ एक फाइटर जेट की तरह लगता है और इसके फंक्शंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हालांकि इसमें आप बैठ नहीं सकते क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इसके सारे कंट्रोल्स आपके पास जॉयस्टिक के माध्यम से होंगे, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे और ये पूरी तरीके से एक एयरक्राफ्ट जैसे फंक्शन लगता है, जैसे कि आप इसे टेक ऑफ करा सकते हैं रनवे की मदद से और उसे लैंड भी करा सकेंगे। वहीं दोस्तों काफी सारे स्टंट करने में जैसे कि बैरल रोल वगैरह में ये आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा, तो एक बार इसे ट्राई करके आप जरूर इस पैशन को एक हकीकत में ला सकते हैं। डिजिटल मैसेज टी शर्ट। दोस्तों आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है और ऐसे में हमारे कपड़े भी दिन पर दिन डिजिटल होते जा रहे हैं, तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं एक ऐसी टी शर्ट जो कि थोड़ी सी अलग हटकर हो, तो एक बार आप इसे ट्राई करके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगी होती है काफी सारी LED लाइट्स जिनमें आप अपना मन चाहा मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, या कोई कोटेशन या किसी फिगर को जिसको भी आप चाहें उसे अपनी टी शर्ट पर लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपके कंट्रोल पर रहेगा। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है जिससे कि आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इमोजीज वगैरह के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके की टी शर्ट काफी ज्यादा बेहद अतरंगी हो जाती है, और अगर आप भी चाहते हैं अपने मूड के हिसाब से अपनी टी शर्ट को बनाना, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। एड केस। दोस्तों कारों के एयरबैग कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपको पता होगा कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होने पर ये फौरन ओपन हो जाते हैं, जिससे कि आपको किसी भी कैजुअल्टी से बचाया जा सके। लेकिन अगर बात करी जाए मोबाइल फोन की, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी के साथ होते हैं, क्योंकि अक्सर वो कभी हाथ से गिर जाता है या कभी छूट कर गिर जाता है, तो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जहां पर मोबाइल फोन डैमेज हो सकता है। तो एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर आपके मोबाइल फोन को डैमेज से बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल इसमें ऐसा होता है कि आपका मोबाइल फोन जैसे ही हाथ से छूटता है, इसमें लगी हुई चार विंग्स फौरन ओपन हो जाते हैं, जिससे कि मोबाइल डायरेक्ट आपका जमीन के कांटेक्ट में नहीं आता, जो कि आपकी स्क्रीन वगैरह को काफी हद तक सिक्योर रखने में आपकी मदद करेगा। डोर स्टेप।
दोस्तों अगर आपकी कार की रूफ थोड़ी ऊंचाई पर हो और आपको सामान वगैरह रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अपनी कार के रूफ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। इसमें लगे होते हैं हुक, जिसे आप कार गेट पर लगे हुए डोर माउंट से अटैच करके आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं इमरजेंसी कंडीशन में ये आपके लिए एक कार स्टॉपर और मिरर ब्रेक करने का भी काम कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें एक छोटा सा ब्लेड भी लगा होता है, जिससे कि आप इमरजेंसी कंडीशन में अपनी सीट बेल्ट को काटने का भी काम कर सकते हैं। ग्लीनर फ्यूज रिमूवर। दोस्तों वूलन क्लॉथ के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे उसमें हल्के हल्के रोएं पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का गैजेट आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें लगे होते हैं ब्लेड, जिससे कि आप आसानी से उन रोयों को हटा सकते हैं। देखने में तो ये एकदम रेजर की तरह लगता है, लेकिन आप इसे दोनों साइड से इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं ये आपके स्वेटर्स या किसी भी तरीके के वूलन क्लॉथ के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। दोस्तों ऑफिस वर्क में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें स्कैन करना पड़ता है। नॉर्मली तो हम लोग इनके लिए स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए स्कैनर्स हर जगह हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते। तो एक बार आप इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक पॉकेट स्कैनर का काम करेगा। दरअसल ये एक ऐसा लेजर स्कैनर होता है, जिससे कि आप किसी भी साइज के डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन कर पाएंगे, और वहीं इसके साथ मिले क्लाउड स्टोरेज में आप उसे अपलोड करके किसी से भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ इसका एक ऑफिशियल ऐप भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट एकदम कैटेगरी वाइज लगे हुए मिल जाएंगे, जिससे कि एक्सेस करने में इसे बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। एयरलॉक बैग रीसीलर। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करने यानी कि ओपन करने के बाद अगर आप उसे दोबारा पैक करते हैं तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर उसमें घुसी जाती है, यानी कि उसमें जो भी चीज रखी है वो जल्द ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसे दोबारा से पूरी तरीके से रीसील करना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दरअसल देखने में तो ये एक स्टेपलर की तरह लगता है, लेकिन इसकी मदद से आप किसी भी तरीके के प्लास्टिक बैग को सील कर पाएंगे, जिससे कि मॉइस्चर उसमें ना घुसे। इस तरीके के गैजेट को आप खाने पीने के सामान वाले पैकेट साथ बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्द खराब ना हो। गेमसर G6S गेमिंग कंट्रोलर। दोस्तों मोबाइल फोन में गेम खेलना काफी ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है और ऐसे में आपको कंट्रोलिंग के ऑप्शंस काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फोन को एक गेमिंग डिवाइस में बदलना चाहते हैं तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको आपके मोबाइल फोन पर ही एकदम पीसी जैसी फील करा देगा, जिससे कि आप आसानी से गेम को कंट्रोल कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों पबजी जैसे गेम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एडवांस कंट्रोलिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग से। Xiaomi Mi Zia Night Light 2। दोस्तों अगर आप अपने घरों के लिए एकदम परफेक्ट नाइट लैंप चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे आपको बार बार ऑफ या ऑन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये लाइट फोटो सेंसिटिव होती है, जो कि खुद ब खुद बंद और चालू हो जाती है। आप इस तरीके की लाइट को खासतौर पर रात के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सहूलियत देंगी आपको रात के समय। वहीं ये आपके लिए टेबल लैंप का भी काम कर सकती है, क्योंकि इनकी लाइट काफी ज्यादा ब्राइट होती है और साथ ही ये लाइटिंग्स आपके कमरे के डेकोरेशन को भी मेंटेन रखेंगी। तो इसके लिए दोस्तों एक तो बनता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बताए ऐसे कुछ डेली लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले गैजेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो आपको ये गैजेट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, और गैजेट पसंद आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।